ये खून निकला क्या? हाँ, कहाँ था? गाइस तुम लोगों को क्या लगा, मैं रांची से आ गया मतलब घर पे बैठूंगा? चांस ही नहीं। अभी ये उबड़ खाबड़ जगह देख रहे हो ना, मैंने सोचा यहीं पे आके व्लॉग करता हूँ, नहीं तो इंट्रो करते ही तुम लोग भाग जाते हो। इंट्रो कहीं पे एक सुनसान सी जगह पे करता हूँ। ये देखो, ये जगह देखो, लुक एट दिस स्पॉट, है ना अच्छी जगह है ना। अब जहाँ जा रहा हूँ और भी अच्छी जगह है, चलो चलते हैं। Careful. इस ऐसे में खाली पैर का ही ग्रिप बेटर है। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर फाइनली जब वो डेस्टिनेशन पहुंचते हो ना, बहुत मजा आता है। एंड आई एम श्योर यू कैन हियर द साउंड ऑफ द वाटर। बहुत ब्यूटीफुल है यार जगह, लेकिन उतना ही ट्रेचरस है रास्ता। Now things are getting even more difficult. लेकिन हाँ पहुंच रहा हूँ। ये भगवान, हाँ नाइस नाइस। There it is. Finally. So guys, इतना जतन उठाने के बाद जब ऐसे इस प्लेस पे पहुंचते हो ना, ट्रस्ट मी द सेटिस्फेक्शन इज टू द नेक्स्ट लेवल। चलो आगे जाके एक बार देखते हैं। So guys, the place we are at is called Achakanye Falls. ठीक है, तो ये this is almost on the way to Teerthalli from Agumbe. तो एक 24 किलोमीटर का diversion है and this is mostly an unexplored place. But there are a couple of sad things also to speak about this. Achakanye itself means प्योर वर्जिन। कन्या मतलब अनमैरिड वुमन या वर्जिन, जैसे भी ट्रांसलेट होता है। सो अच्छा मतलब प्योर, सो दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस। एंड लिविंग अप टू द नेम, इट इज़ नॉट दैट मच एक्सप्लोर्ड और इट स्टिल रिमेन्स पार्शली वर्जिन। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज जितना भी एक्सप्लोर हुआ है, बीन एक्सप्लोर्ड फॉर वेरी बैड रीजन्स, टेरिबल रीजन्स, क्योंकि जहाँ पे बाइक पार्क किया है वहाँ से यहाँ आने तक टार रोड नहीं था, ग्लास रोड था। मतलब बियर के बोतलें इतने फटके ना, कांच ऐसे बिखरे हुए हैं। इट्स अ वेरी सैड स्टेट यार। बट अदरवाइज वंस यू कम हियर द वाइब ऑफ द प्लेस इज गुड, एक्सेप्ट दैट यू नो व्हेन यू सी थिंग्स अराउंड। मैं दिखाता हूँ, यू जस्ट लुक एट द स्टेट इन विच द प्लेस इज। आई डिडंट इवन हैव टू मूव एन इंच टू शो यू दिस मच ऑफ डर्ट हियर। ठीक है, तो अगर इमेजिन इतना ब्यूटीफुल जगह एंड ये सब, सो जस्ट इमेजिन अगर ये गंदगी नहीं होती तो प्लेस कितना ब्यूटीफुल होता, और गंदगी के साथ कितना डिसअपॉइंटिंग है। बट क्या करे, जो अपने को नज़ारा देखने को मिलता है, पाली के बंदर तो पंचामृता। स्पाइडर वेब्स इतने हैं यहाँ पे। मकड़ी मूवी का शूटिंग शायद यही पे हुआ होगा ना।
पहुंच गई। गाइस आई ऑनेस्टली डोंट माइंड डाइविंग इनटू द वाटर नो मैटर हाउ डर्टी द वाटर इज, बट प्रॉब्लम ये है कि जितने ग्लास पीसेस देख लिए है ना, तो पानी के अंदर पैर रखते ही आई हैव नो आइडिया कि कौन सा ग्लास पीस कहाँ तक चुभोए। सो दैट इज द रीजन वाई आई एम नॉट गेटिंग इनटू द वाटर। नहीं तो वागीशा से बोल भी रहा था कि मतलब पानी में उतरूंगा। चलो यहाँ का नज़ारा थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है। गाइस दिस इज वेरी सिमिलर टू जो तुम्बट्टू का मैंने वीडियो डाला था ना, वेरी सिमिलर टू दैट। प्लस यहाँ पे अभी पानी भी है, शायद अभी तुम्बट्टू जाऊँगा तो उधर भी पानी शायद देखने को मिल जाए। आई एम नॉट मेकिंग अप के रास्ता मुश्किल है या जो भी है, देख लो। बहुत अजीबो गरीबो तरीके से जा रहे हम लोग। मुश्किल है यार क्रॉस करना। हे भगवान। हाँ ठीक है, चलो सहारा मिल गया। मैंने क्या किया ना, बागीशा तब से बोल रही थी बिना चप्पल का नंगे पैर ग्रिप मिलेगा, मैंने चप्पल निकाल दिया। तो नंगे पैर चल रहा अभी, थोड़ा कंफर्टेबल है। अदरवाइज ये स्लीपर चप्पल में सब होने वाली बात ही नहीं है। मजा आया? मजेदार मजेदार। बागीशा ने किया ना, मुंह पे पानी मारा ना, मेरा भी मन किया, लेकिन मैं कूद के ना इधर पूरा गंदा कर दिया अभी पानी। तो यार कसम से पानी में उतर के नहाने का इधर जो मजा आएगा ना, अभी इतनी गर्मी हो रही है। ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, मैं ऐसे करूंगा ना, इधर से सीधा ऊपर दिखाओ। 1 2 3 मुझे। सो गाइस इधर का हो गया, मैं बेस्ट है अभी इधर से, वो ऊपर वाले जगह पे चलते हैं। वहाँ पे मैंने चप्पल हाथ में ही पकड़ लिया, छोड़ो मैंने नहीं, मेरा देख के। हाँ इसका देख के। अच्छा पानी से आ रही हो तो पत्थर पे पैर मत रखना। चलो अभी चलते हैं अपन। ये भगवान, अये अम्मा, यार मुश्किल तो है यार रास्ता। देखो ये मर्डर वेपन नहीं है, यहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। ये देखो प्लास्टिक का चाकू। चलो हम लोग झरने के ऊपरी हिस्से में हैं और यहाँ फिर से अपन स्लीपर निकाल लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। वो तो पहुँच भी गई। ये ऊपर से ना ये रास्ता कैसा है दिखाने के लिए एक हाथ में मैं कैमरा भी पकड़ा हूँ। ओके नाइस, दो ठीक है, एज पे चलते हैं। अब पहुंचे हैं हम एज पे। ओके फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली, बट फॉर अदर्स ऑल्सो, ये जैसे वाटरफॉल में आते हैं या बड़ी बड़ी नदियां देखते हैं, एक टाइप का इंप्रेशन आता है कि यार इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कितना एकदम इंटेंस रहा होगा करके। बट नॉर्मली स्टार्टिंग पॉइंट बहुत पतला सा होता है, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते इट बिकम्स सच मैसिव यूनिट के वो क्या बोलते हैं, स्रोत देख के तुमको अंदाजा नहीं लगता। सो यहाँ पे स्रोत नहीं मिल रहा है मुझे, सो माइट नॉट बी एबल टू शो यू, बट इस पेरीमीटर में, पेरीफेरी में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो दिखाता हूँ मैं। गाइस दारू पीना है, देखो बोतल है, ग्लास है, चकना भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं होगा, फिर गुटका उटका सब कुछ है, चाहिए तो बता देना, मैं स्विगी और जोमेटो कर दूंगा इस चीज़ को। सो देयर इट इज़ गाइस,
इमेजिन कितना पतला स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, वो आते आते एक एक जगह पे थोड़ा थोड़ा कंपाइल हो के, सी एज इट इज प्रोसीडिंग फर्दर इट इज कन्वर्टिंग इन टू अ लार्जर मास. नाइस ना, सो दैट्स फाइन, वी आर गुड टू गो. चलो चलते हैं. अगेन बहुत कठिन है डगर पनगट की, ये स्टेटमेंट में मेरे को शायद ट्रेडमार्क स्ट्राइक आएगा. चलो अभी जाना है अपने को वापस इस रास्ते से. डां डां टर रहे हैं, बाप रे, थिंग्स वी डू बट वी वुडंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. ये जो मजा है ना इसमें, अमेजिंग गाइस. वो एंड पे है गाड़ी हमारी, तो वहां तक चलना है, वहां जाके मिलता हूँ मैं. ये खून निकला क्या? हाँ, कहाँ था पता नहीं. सो गाइस वी आर बैक टू द बाइक. थक मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था आई एम गेटिंग फिटर एंड फिटर, बट वापस पहुँचने तक पूरी हवा निकल गई. इसको देखो, ये सांस ना 2 mm ज़्यादा कम नहीं ले रही है, अजीब है यार. एनीवेज आई होप यू लाइक द प्लेस, आई होप यू लाइक द व्लॉग. लोकेशन मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नागेंद्र नायक नरेटिव्स. यहाँ पे कुछ लोग मिले ना, वो लड़के पहले मेरे पूछे आपका यूट्यूब चैनल क्या है, इंस्टाग्राम चैनल क्या है, फिर वो पूछे अक्का का इंस्टाग्राम चैनल कौन सा है. मैंने बोला सो एक दो फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे. अच्छा लगा, स्टे ट्यून्ड, टाटा.